बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एनीबडी कैन कुक विद ग्रेवी। आज मैं आपके साथ रॉयल एग कोरमे की रेसिपी शेयर करूंगी। ये इतना ज़बरदस्त कोरमा बनके तैयार होगा कि आप चिकन और मटन के कोरमे को भूल जाएंगे। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 8 एग्स लिए हैं, इसे बॉयल करके छील लिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। 2 लार्ज साइज़ की अनियन को फ्राई कर लिया है। 2 मीडियम साइज़ के टोमेटोज लिए हैं, इस तरीके से फाइनली चॉप कर लिया है। यहाँ पर हम पैन में तकरीबन 1/2 कप ऑयल लेंगे, इसे अच्छे से गरम कर लेंगे और फिर एहतियात के साथ अंडों को फ्राई करेंगे। इस तरीके से हम सब अंडों को फ्राई कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा लाइट गोल्डन कलर आया है। बस अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और अंडों को निकाल लेंगे। अब हम एक जार लेंगे, इसमें हम कुछ मसाले पीसेंगे। यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून खरबूजे के बीज लिए हैं, 2 टीस्पून कोकोनट पाउडर लिया है, वो जार में डाल देंगे। कोरिएंडर पाउडर डालेंगे, 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे, 1/4 स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, टमाटर भी इसमें ऐड कर लेंगे और सबको एक साथ ग्राइंड कर लेंगे। हम उसी ऑयल को यूज़ करेंगे, इसमें कुछ गरम मसाले डालेंगे। 2 तेज़पात ऐड करें, 4 से 5 लौंग है और 7 से 8 सिया मिर्च है, वो ऐड कर लें। अब हम इसमें 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लेंगे और 1 मिनट के लिए भूनेंगे। फ्लेम हमने मीडियम रखनी है। हमने मसालों का इस तरीके से पेस्ट बना लिया था पानी डाल के, अब हम ये भी इसमें ऐड कर देंगे। इन तमाम मसालों को हमें तकरीबन 10 मिनट तक अच्छे से भूनना है। मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है। इस पॉइंट पर हम प्याज डालेंगे। प्याज को इस तरीके से मिक्सी में हमने पीस लिया है, अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। यहाँ पर हम 1 बोल दही लेंगे, इस तरीके से बीट करके इसमें भी ऐड कर लेंगे। अब 5 मिनट और भूनेंगे। मसाला हमारा बहुत अच्छे से भून चुका है, ये देखिए। अभी तक हमने इसमें सॉल्ट नहीं डाला था, अब हम इसमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट डालेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, बस मिक्स करें। अब हम इसमें अंडे ऐड कर देंगे। 1/2 कप पानी डालें और 5 मिनट तक पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। हम 5 मिनट तक बनाएंगे। हमारा रॉयल एग कोरमा बनके तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त बना है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बस अब हम गैस की फ्लेम को बंद करते हैं और डिश आउट करते हैं। फ्रेश क्रीम से गार्निश करें। इसे आप रोटी से, पराठों से, नान से ट्राई करें। बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हुआ है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।